हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपको पौधा दिखाने जा रहे हैं, कुब्जा का पौधा है। यह पौधा जो है आपको सड़क किनारे मिलेगा, जहां पर जो है बहुत ज़्यादा हरी भरी और एकदम सूखी जगह पर। ये देखिए इस तरीके से जो है, ये पत्ते जो है इसके सदाबहार के पौधे के पत्ते के तरह होते हैं और इसके फूल जो है वो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त है। जिनके शुक्राणु कम है, जिनमें मर्दाना कमजोरी है, उनके लिए यह बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप जो है हर जो है वीडियो के बारे में, हर बढ़िया इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। ये देख लीजिए दोस्तों, इसके डंठल पत्ते और इसका जो इसमें बीज होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत ही लाभकारी हैं। जंगली बूटी है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों, आप जो है इसको, यदि आपको पीलिया रोग है तो उसके लिए आप इसके पत्तों को इस्तेमाल करें। पत्तों को कूट करके पानी में मिक्स करके सुबह सुबह 20 से 30 ml लें, 2 से 3 दिन, आपका पीलिया रोग जो है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि कान में दर्द हो जाता है, कान में दर्द के लिए भी यह एक टोनिक का काम करता है। आपने इसको प्रयोग कैसे करना है, आपने प्रयोग करने का सिंपल तरीका बिल्कुल कि इसके पत्तों को पीस लें और पत्तों को जो है आप एक बूंद चिपका दीजिए कान में और वह आपके लिए एक रामबाण का काम करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम ये दिखा रहे हैं, देखिए ये पत्ते जो हैं इसके और ये इसके फूल हैं, वाइट वाइट यानी सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है यह। इस पौधे के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। और यदि दोस्तों, जैसे कई बहुत सारी गर्भवती महिलाएं होती हैं और गर्भवती महिलाओं को जब प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर जो है निशान पड़ जाते हैं, यानी धारियां सी हो जाती हैं, दोस्तों उन धारियों को आप इसके पत्तों को पीस करके और एलोवेरा जो कि आपको हर एक घर में मिल जाता है, कई शौकिया तौर पे रखते हैं, उनको इसके गुणों का नहीं पता है दोस्तों, लेकिन इसके पत्तों के साथ मिलाकर आप जो है देंगे, पेट पर मालिश कर दें, तो इससे जो है उसके जो निशान हुए हैं प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कि इस प्रकार से कोई पहले निशान हुए थे या नहीं। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति के कहीं जले हुए पर भी यह बहुत बढ़िया काम करता है। जले हुए में दोस्तों, आपने इसके पत्तों को मोम के साथ पीसकर, यानी जहाँ भी आपका मोमबत्ती का मोम होता है, मोम गिरा लें और उसके पत्तों के साथ पीस लें और उस पर लगा दें, तो यह बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है दोस्तों। और यदि आप जो है इसको सेक्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके बीजों को लें और समान मात्रा में शहद के साथ लेते रहें दोस्तों, सुबह शाम एक एक चम्मच, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय